जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार आ रही है भाजपा सरकार। कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं, अब उन्हें आज राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर, 3 दिसंबर कांग्रेस छुमंतर। साथियों, मैं आज सबसे पहले राजस्थान भारतीय जनता पार्टी को, यहां के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि राजस्थान भाजपा ने एक शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। भाजपा का संकल्प है राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। भाजपा का संकल्प है राजस्थान में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करेंगे। भाजपा का संकल्प है बहनों बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाएंगे। राजस्थान बीजेपी ने जो वायदे किए हैं इन्हें पूरा करने के लिए हम जी जान लगा देंगे। और आपसे किए ये वायदे जरूर पूरे होंगे, ये मोदी की भी गारंटी है। मेरे परिवारजनों, आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। मान रही है कि नहीं मान रही है? भारत का लोहा मान रही है कि नहीं मान रही है? हम दुनिया की 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन चुके हैं और बहुत ही जल्द भारत 3रे नंबर की आर्थिक ताकत के रूप में अपने आप को प्रस्थापित करेगा। भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा है जहां दुनिया का कोई देश पहुंच नहीं पाया। भारत में ऐतिहासिक G20 सम्मेलन हुआ जहां पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हुए। आपको लगता है आज दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बढ़ रहा है? आपको लगता है? लगता है तो बताइए। लगता है? सचमुच में लगता है दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है?
अमेरिका में भी बज रहा है, यूके में भी बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी बज रहा है, यूरोप में भी बज रहा है, एशिया में बज रहा है। आपको गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है, संतोष हो रहा है, ये सब किसके कारण हो रहा है? 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 आपका जवाब पूरी तरह गलत। जी नहीं, ये मोदी के कारण नहीं, बल्कि ये कमाल आपका एक वोट कर रहा है, ये आपके कारण हो रहा है, क्योंकि आपने एक वोट देकर दिल्ली में स्थिर और मजबूत सरकार बनाई, इसलिए आज भारत हर मैदान में जीत रहा है। मेरे परिवारजनों, एक तरफ तो भारत दुनिया में अग्रणी बन रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान में बीते 5 वर्ष में क्या हुआ, क्या हुआ? 5 साल में क्या हुआ? 5 साल में जो बर्बादी हुई, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? राजस्थान को पीछा धकेलने के लिए जिम्मेवार कौन है? राजस्थान के नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने वाले कौन है? यहां कांग्रेस ने राजस्थान को भ्रष्टाचार, दंगों और अपराधों में अग्रणी बना दिया है, और इसलिए राजस्थान कह रहा है, इसलिए राजस्थान कह रहा है, जादूगर जी कौन ही मिले वोट जी? मेरे परिवारजनों, आपने यहां ब्रज क्षेत्र की बड़ी मशहूर कहावत है, हमारे यहां वो बोला जाता है, जा पत्तल में खानो वहां में छेद करनो। कांग्रेस ने यहां आपके साथ ऐसा ही किया है। यहां कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो हर नागरिक के जान माल की सुरक्षा करे, लेकिन हुआ क्या? बीते 5 वर्षों में बहनों बेटियों पर, दलितों पर, वंचितों पर सबसे ज्यादा अपराध हुआ, सबसे ज्यादा जुल्म हुआ। होली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, कोई भी त्योहार आप लोग शांति से नहीं मना पाए। दंगे, पत्थरबाजी, कर्फ्यू, राजस्थान में यही सब चलता रहा। कांग्रेस जहां जहां आती है वहां वहां आतंकवादी, अपराधी और दंगाई बेलगाम हो जाते हैं। कांग्रेस के लिए तुष्टिकरण ही सब कुछ है। कांग्रेस तुष्टिकरण के लिए
किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे इसमें आपका जीवन तक दांव पर क्यों न लगाना पड़े। साथियों, कांग्रेस ने राजस्थान की महिलाओं के विश्वास को भी चकनाचूर कर दिया। जो मुख्यमंत्री खुद कहे कि महिलाएं रेप के फर्जी मामले दर्ज करवाती हैं, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं? क्या कोई मां, बहन, बेटी ऐसी बात खुद कह सकती है कि मेरे, और ये क्या हो गया है कांग्रेस के लोगों को? क्या ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे जादूगर को एक मिनट भी कुर्सी पर रहने का हक है क्या? एक मिनट भी रहने का हक है क्या? अब उनको विदाई करोगे कि नहीं करोगे? आप लोग पक्का करोगे? 25 तारीख आपके हाथ में है। भाई और बहनों, महिलाओं को लेकर कांग्रेस की सोच कितनी गिरी हुई है, ये कांग्रेस के एक मंत्री के बयान से भी पता चलता है। महिला तो भरतपुर में प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं और साफ तौर पर यहाँ कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। आपको बता दें 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने जा रहा है, वोटिंग होने जा रही है, उससे पहले तमाम जो शख्सियतें हैं वो राजस्थान पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। और यहाँ पर एक बार फिर अशोक गहलोत पर प्रधानमंत्री ने हमला बोला है।